हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ फूड। आई एम प्रियंका। आज बनाते हैं आलू के करारे से पकौड़े। इसे आप इफ्तारी के लिए, शाम के नाश्ते के लिए, बारिश के मौसम में या जब मन चाहे तब बना सकते हो। काफ़ी जल्दी से बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यम बनते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो बड़े आलू को पील कर लेंगे। दो से काफ़ी सारे पोटैटोज बन जाते हैं, इसीलिए मैं दो ले रही हूँ। ये गर्मी वाले आलू हैं, इसीलिए पील कर लेंगे। ठंड वाले आलू को आप अच्छे से धोकर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आलू को स्लाइस कर लेंगे पतला पतला। नाइफ से कर रही हूँ, आपके पास अगर स्लाइसर है तो आप उसे यूज़ कर लेना। अगर आप तुरंत पकौड़े बना रहे हो तो स्लाइस करके तभी यूज़ कर लेना, अदरवाइज इनको पानी में डालकर रख देना सो देट काले ना पड़ जाए। अब पकौड़े के लिए बेसन का घोल बना लेते हैं। एक बोल में बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और अजवाइन डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला हो। घोल गाढ़ा होगा तो पकौड़े करारे नहीं बनेंगे, इसीलिए उसको मीडियम कंसिस्टेंसी से थोड़ा पतला बनाना। अब बनाए हुए घोल में स्लाइस किए हुए पोटैटोज़ को डिप करेंगे अच्छे से और गरम गरम ऑयल में केयरफुली छोड़ देंगे। इसी तरह सारे पकोड़े तेल में छोड़ देंगे, डीप फ्राई कर लेंगे सारे पकोड़ों को। डीप फ्राई कर लेंगे सारे पकोड़े इसी तरह। फ्लेम को मीडियम रखना सो देट आलू अंदर तक अच्छे से पक जाएं और पकोड़े भी करारे हो जाएं। कितने अच्छे से फूल गए ना सारे पकोड़े। जब पकोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इनको निकाल कर सर्व कर लेंगे। सर्व कर लेंगे इसको हरे धनिया और पुदीना की चटनी और दही के साथ। इंजॉय। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। See you all in my next video.